दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों के कारण लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि वो दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए प्लान बना रखेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना से त्राहिमाम है, तो वहीं दिल्ली में भी स्थिति खराब है, जिसके चलते दिल्ली में लॉकडाउन को भी एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। राजधानी में ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बैंकॉक से 18 टैंकर इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से एयरफोर्स का प्लेन देने की मांग की है। दिल्ली सरकार टैंकर की कमी दूर करने के लिए बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर इंपोर्ट कर रही है। फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट इंपोर्ट कर रही है। इन सभी रेडी टू यूज प्लांट को अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा। सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इम्पोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अगले एक महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले 8 ऑक्सीजन प्लांट को 30 अप्रैल तक लगाया जाएगा, बल्कि बाकी के 36 प्लांट दिल्ली सरकार की तरफ से अगले एक महीने में लगाए जाएंगे और दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगले एक महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डीले हो गया था जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 मई तक दिल्ली में 1200 ICU बेड्स की व्यवस्था हो जाएगी। अस्पतालों में जो पैनिक मोड था वो खत्म होने लगा है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने साथ मिलकर काम किया और मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है। 1200 ICU बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 ICU बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त कोरोना की नई लहर के कारण कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के कई अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है, बल्कि कुछ अस्पतालों में नाम मात्र ही ऑक्सीजन या ICU बेड्स बचे हैं। ऐसे में सीएम के आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है कि स्थिति में जल्द सुधार होगा। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।